आदरणीय यहाँ विराजमान गुर्जर नौजवान और बच्चों, आपको स्वागत अभिनंदन। मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है कि कुछ बच्चों में भविष्य को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्षमता बनी हुई है। आजकल विज्ञान का जमाना है, विज्ञान से दुनिया आगे बढ़ रही है, देश आगे बढ़ रहा है, तो उत्तम भी आगे बढ़ रहा है। मेरे पास ज्ञान हो, विज्ञान हो, दोस्तों मैं 11 फरवरी 1947 को दिवा था, 1947 में जो अंग्रेज था, जब भोपाल में पानी में राशन चुराना होता तो खतर होती थी, खतर और लड़ाई भयंकर होती थी। अंग्रेजी में जमाना था, मैं अंग्रेजी में कैमरा बैठी हूँ। आज सब कुछ बदल गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैमरे साथ जो आदमी, जो परिवार, जो संस्था नहीं चलेगी वो कामयाब नहीं हो सकता। आज अगर मैं उस टाइम को याद करूँ, भोजपुर बस्ती के लिए गांव में जाते थे, पढ़े लिखे लिए अंग्रेजों में जरूरत नहीं थी, और वो गांवों में जाकर जबरदस्ती इंटरव्यू में भर्ती करते थे, और देश प्रमोशन जो आता जवान मोर्चे होता उसको बना देते थे। उस टाइम गांवों पकड़ पकड़ के भर्ती करते थे, भर्ती करने वाले को एक सिपाही को रिक्रूट का 2 रुपया मिलता था। ये अच्छी बात है, तुम 4 रुपये 8 रुपये। आज वो जमाना है सिपाही को भर्ती करने के लिए बड़ी कठिनाई, बड़ा परिश्रम करना पड़ता, बड़ी योग्यता की जरूरत है। आज फौज में एक सिपाही भर्ती होने के लिए उसका कितना टेस्ट होता है, दौड़ होता है, फिजिकल होता है, मेडिकल होता है, पहले कुछ नहीं। मैं 11 फरवरी 1947 में भर्ती हुआ, भट्टू भर्ती हुआ था। हम 4-5 आदमी थे कि गए उसी टाइम पर, थोड़ा दौड़ा कर सब कुछ टेस्ट हो गया। हमें जो है बांट देकर शाम को बरेली भेज दिया कि फिट हो, बच्चा कंपनी में भर्ती हुआ था मैं। आज एक सिपाही को ऑफिसर से भी ज़्यादा कठिनाई है भर्ती होने के लिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैं 30 साल फौज में रहा हूँ, 30 साल 62 वाली लड़ाई हुई थी जब हम लेह लद्दाख में थे और चाइना ने अचानक अटैक कर दिया था। हम मोर्चे में थे, पता चला कि चाइना ने अटैक कर दिया, बहुत कैजुअल्टी हुई, बहुत दुर्गति हुई, लेकिन वो रशिया के दबाव, दूसरे देशों के दबाव से पीछे हट गए। उसके बाद में लोगों में कुछ जागृति आई। नेहरू जी कहा करता था फौज की क्या जरूरत है, हिंदू बढ़ाए सेना, हिंदू भाई भाई होया करते थे। इंदिरा गांधी उस बार कैबिनेट में मंत्री थी, उसने कहा कि फौजी जब छुट्टी जाते हैं तो छुट्टी की तनख्वाह क्यों मिलती है, जरूरत नहीं। और कभी खेतर वाली लड़ाई लगी, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, प्रधानमंत्री देश की, और हम उस टाइम पर सिल्लीगुड़ी में थे। रात को गई, पता ही नहीं कौन आ रही है, जाकर 33 नंबर कोर थी, हमें भी बहुत है, और हेडक्वार्टर में अचानक देखे तो भाई इंदिरा गांधी आ गई और जनरल थापन था वहाँ को, वहाँ जाकर बोली दोनों हम हमें रास्ते से जा रहे थे और किसी ने पत्थर डाल दिया, लेकिन हम उसको साफ करके अपने मंजिले पर सुनकर जाएंगे। दिल्ली में आते ही घोषणा कर दी लड़ाई, बात 13 दिन में 12 दिन चली, 1 लाख कर दी हमने
उस टाइम अपना जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा था, उनका जनरल न्याजी था। 1,00,000 जब कैद किया तो न्याजी ने पिस्टल उल्टा कर दिया, यही सिस्टम होता है। अरोड़ा अंदाजे कैद किया, उसके आंखों में आंसू थे क्योंकि वह लाहौर साथ पड़े हुए थे। 1,00,000 को फिर कितना बाड़ा करा, दीवान लगाई, देखा फिर भी भाग जाते थे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आदमी है जीवन के लिए एक उद्देश्य होना चाहिए, हर आदमी का उद्देश्य होना चाहिए। और उस उद्देश्य में कुछ तो ऐसा बड़ी कठिनाई आएगी, कुछ ऐसा नहीं भी होती है। और उद्देश्य है कि मैं फौज में भर्ती होऊंगा, किसी एक में फौज में ऑफिसर बनूंगा, कुछ का उद्देश्य है कि मैं कलेक्टर बनूंगा। अगर आप मेहनत करते हो, लगन से परिश्रम करते हो, तो उसमें कोई संदेह नहीं, आप बनेंगे। जो बड़े बड़े बने हुए हैं सभी अपनी माँ से जन्म लिया, ऊपर से नहीं आया, लेकिन वो मेहनत करते हैं रात और दिन लगन से। अगर आपने अपने मंजिल मर्तबे जाना है तो अपना उद्देश्य बनाओ। ये नहीं है कि हमने बीए कर ली, बीएड कर ली, एमए कर ली, एमसी सी कुछ नहीं है। लाखों करोड़ घूमते, कोई वैल्यू नहीं उसकी। जो अच्छा बच्चा है, जो दिमाग है, कामयाब होता है। इस देश में बहुत कामयाब है। जनरल क्या हो, सिविल में कलेक्टर क्या, सब अपने इसी सी में है। अमेरिका से एक यहाँ आदमी आया था भ्रमण करने के लिए हिंदुस्तान में, उसने कहा कि मैंने हिंदुस्तान में दो चीज देखी, दो क्या, एक तो डॉक्टर बहुत है, जिसको पूछे मेथी की फाकी दे दो, धनिया की दे दो, हल्दी दे दो, वो बताए बगैर रहता ही नहीं, कोई होता है। दूसरा उसने कहा कि भाषण बहुत है, अखबार में देखो भाषण से भरा आता है। अरे भाषण से नहीं, थ्योरिकल नहीं चीज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल। सेना जब लड़ती है तो वो प्रैक्टिकल करती है, थ्योरी से नहीं। सेना आगे बढ़ती है, जवान के छाती में गोली लगती है, संहार हो जाता है, लेकिन आगे बढ़ता रहता है। आज ये देश इस सेना के बलबूते पर सुरक्षित है, आप सब आराम से सोते हो सेना के बलबूते पर, ये बात सत्य है, इसमें कोई दोराय तो नहीं। अगर ये नहीं होता तो चाइना कभी का कब्जा कर लेता, पाकिस्तान कर लेता। हमारे जवान शहीद होते हैं, ऐसी ऐसी कुर्बानी करते हैं कि शादी करके आगे दोबारा बड़े बच्चों का मुंह ही नहीं देखता। उन माओं का बच्चा, उन पति का पत्नी, यानी बच्चों का माँ बाप रोज सुनते हो शहीद होता है, देश के लिए शहीद होता है। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप मैंने कहा वो जमाने में सब कुछ पैदल फौज होती थी, आज साइंस बहुत बढ़ गया है, लोग चांद और सूरज के पास घूमते हैं। अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि संस्था बन रही है, लेकिन आप मेहनत करो, रात दिन करो, और अच्छे देश के नागरिक बनने के लिए आपका फर्ज है। अपने माँ बाप बूढ़े के बुजुर्ग की इज्जत करो और आप सबको बड़ा समझो। अगर आपको बड़ा बनना है तो छोटा बनकर रहो, किसी से बात करना है तो ऐसा लफ्ज मत बोलो कि आप लोग दुख हो। आप सद्या पढ़े लिखे जो है वो बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन पढ़े लिखे आजकल जरूर कहते हैं पढ़ने जाता है, टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, कामयाब नहीं होते। बहुत से बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते, खुद जब तक बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कामयाब नहीं होगा। आप एक उद्देश्य बनाओ कि आपको क्या बनना है, उसे लगन से काम करो, इसे राजन मेहनत करो। अच्छा अगर नागरिक बनता है
तो सबके साथ मेल मिलाप अच्छा रहता है। सादा जीवन और उच्च विचार, आदमी ये विचार अच्छा होना चाहिए। कपड़ा तो 2000 का पहन लेगा, सड़क पर नौकरी करे वही, रात को जो है पी के सड़क में लेता तो क्या काम है। पढ़ने वाले बच्चे में कोई बैल नहीं होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। अरे को रिस्पेक्ट देने की, इज्जत देने की भावना होनी चाहिए। मुझे देखकर खुशी है कि एक क्षमता बनी है। इसका जो भी संस्था है उस संस्था के लिए सबका सहयोग चलता है। अकेले आदमी से कोई संस्था नहीं चलती है। हम राजगढ़ से आए हैं, हमने देखा है कि संस्था चल रही, शुरू हो रही है, अच्छा है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना है। बच्चों को मेहनत करनी है, ईमानदारी से पढ़ना है। मेरी 92 साल उम्र है, मैंने बहुत कुछ देखा है। आजकल बच्चे बिगड़ते जाते हैं, पढ़ते कम है। जो कामयाब हो रहा है वो थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो अभी बता रहे थे कि ये संस्था बना रहे हैं, आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको बड़ा दौड़ करना पड़ता है, उसका टाइम है, फिर पेपर भी है, मेडिकल भी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे सब आर्मी में भर्ती होते आप वो बच्चों, मैं ये बताता हूँ कि आप आगे मेहनत करो, रात दिन मेहनत करो, मेहनत का फल मिलेगा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन आप कहते ठीक है बी ए पास कर लिए, एम ए कर लिए, पेपर दे दिए, कामयाब, ऐसे नहीं होगा। और मैं सभी यहाँ पधारे बुजुर्ग और नौजवान से कहूँगा कि अपनी तरफ से जो भी हो इस संस्था से सहयोग करना, और हम सब की ये भावना हो कि संस्था आगे बढ़े। संस्था शुरू होने से नहीं, बस संस्था को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए बहुत कुछ चाहिए। तन मन धन से सब चलता है, ईमानदारी चाहिए सबसे बड़ी बात, वर्ष नहीं होना चाहिए, लोग नहीं होना चाहिए। अरे आपने देखा कितना थोड़ी है, आज दुकान में थोड़ी हुई, रतनगढ़ में एक दुकान में 1 लाख का सोना ले गया, जेवर ले गया, इतना जितने चोर है कभी आपने देखा वो छुपी रहते हैं? उसको देखा कि उसके बच्चे बड़े अच्छे हैं? उसको देखा कि कभी घर बने हुए? कुछ नहीं, अपनी कमाई खाओ। एक रोटी बजे आधी रोटी खा लो बेटा, अपनी कमाई पर रहो, अपनी मेहनत करो, लाइन पर रहो तो आप जरूर कामयाब होंगे। मैं इस संस्था को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। ज्यादा भाषण नहीं चाहिए, भाषण बहुत करते हैं, भाषण से मुझे ज्यादा नफरत है। प्रैक्टिकल करो। राजनीति जो आई है संस्था, हमारे लिए कोई सेवा हो हम आधी रात आपके साथ तैयार हैं। लेकिन याद रखो, गलत रास्ते चलने वाले को, गलत काम करने वाले को हम उसका साथ नहीं देंगे, उसको नहीं बख्शेंगे। भाषण तो बहुत करते हैं हरेक ही, लेकिन मेहनत करना, ईमानदारी से रहना, आगे बढ़ने के लिए कुछ बिल पाव चाहिए, कुछ हिम्मत चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि संस्था आगे बढ़ेगी, सब साथ देंगे। और खासकर मैं इन बच्चों से कहता हूँ, आप लोग रात दिन मेहनत करो बेटे, मेहनत करोगे आगे बढ़ जाओगे, ऐसे जरूर हो जाएगा। आज तो माँ मैं बहुत दौड़ा, वो सब बोझे पीछे रह गए भी इतना दौड़ा, तो वो बात नहीं चलेगी। ग्राउंड में जाओ, मेहनत करो, कामयाब होगा। मेरे साथ मेरठ में बावड़ी का एक सूर्य सिंह लड़का था, हम बोझ में थे, वो रात दिन पढ़ता था। और मुझे वहाँ कंपनी कमांडर बना दिया, बच्चा कंपनी अलग अलग होते हैं, हम कंपनी कमांडर घमंड में रहते थे। लोग आते थे पूछे साहब क्या करना है, वो रात को पढ़ता था, चोटी बांध के दिन रात ही पढ़ता था। वो इतना बड़ा फिर
जरूरत है। कर्नल रतन सिंह था दाग, उसके पास कोटपुंज की वो लड़का बड़ा मेहनत कर रहा है, उसका एम है कि मैं ऑफिसर बनूँ। उसने इजाजत दे दी कि इसको कॉलेज में भेज दो, कॉलेज में पढ़ा, ऑफिसर बना। वो हमारे साथ धर्मशाला में देखा हमने, ब्रिगेडियर था, ब्रिगेड कमांडर था, ब्रिगेड कमांडर ऊपर था, लेकिन क्या है उसका असूल था, खाने के बाद में एक घंटा पानी नहीं पीऊँगा, इतने बजे सोऊंगा, इतने बजे उठूँगा। आदमी को मेहनत करने के लिए, अपनी हेल्थ बनाने के लिए, उसका खाने का, पीने का, रहने का टाइम का पंचूल होना चाहिए। ये नहीं कि पट गया तो 9 बजे उठा, खाना खाने लगे, 2 के 4 रोटी खा लिए, नहीं, हर एक चीज़ का असूल होना चाहिए। उस नियम के मुताबिक, असूल के मुताबिक चलोगे आगे आगे बढ़ेगा। अंत में 5 दिन के बाद नया साल आएगा, मैं सभी यहाँ महानुभाव को बैठे हुए बच्चों को गुजर जवानों को नए साल की बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि सब आप फले फूले, अपने परिवार के साथ खुश रहे और ये संस्था भी आगे बढ़े, नए परिवार में आगे मिलेंगे करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।